हमीरपुर जिला के बिजड़ी कस्बे में करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बना आयुर्वेदिक अस्पताल उद्घाटन की राह देख रहा है। 1.5 वर्ष पहले इस अस्पताल की बिल्डिंग का लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाने का काम समाप्त किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस अस्पताल का प्रदेश सरकार द्वारा उद्घाटन नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में ये अस्पताल निजी भवन की दूसरी मंजिल पर चलाया जा रहा है, जहाँ पर पहुँचने के लिए बुजुर्ग लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस अस्पताल के उद्घाटन की गुहार लगाई है। बड़सर उपमंडल के बिजड़ी कस्बे में बना आयुर्वेदिक अस्पताल पिछले 1.5 वर्ष से उद्घाटन की राह देख रहा है। जहां पर ये अस्पताल बना है, ये 20 से 22 पंचायतों का केंद्र बिंदु है। बिजड़ी के आयुर्वेदिक अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में लोग इलाज करवाने के लिए पहुँचते हैं। विडम्बना है कि अभी तक इस अस्पताल का उद्घाटन सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को इलाज करवाने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। बिजड़ी में आयुर्वेदिक अस्पताल की बिल्डिंग पर करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है, जिसका निर्माण कार्य फरवरी 2020 में पूरा किया जा चुका है। जिला कांग्रेस महासचिव पवन कालिया ने कहा कि इस अस्पताल की बिल्डिंग का शिलान्यास कांग्रेस सरकार के समय में हुआ था, जो कि 2020 में बनकर तैयार भी हो चुकी है, लेकिन बड़सर भाजपा के नेता इस अस्पताल की बिल्डिंग का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उद्घाटन करवाने में असमर्थ रहे हैं। इस बिल्डिंग पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी बिल्डिंग सफेद हाथी साबित हो रही है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि इस अस्पताल की बिल्डिंग का उद्घाटन जल्द किया जाए, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। बड़सर में बड़सर के जो लोकल नेता हैं, वो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके दावे जो हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। विकास के नाम पर कांग्रेस टाइम में ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी, लेकिन इसका शिलान्यास जो है वो ये मुख्यमंत्री जयराम जी से आज तक नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल के शिलान्यास ना होने की वजह से ये हॉस्पिटल जो है एक प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, सेकंड स्टोरी पे। वहाँ पे छोटी पौड़ियाँ हैं, मरीजों को ऊपर चढ़ने के लिए दिक्कत होती है, जिससे डिटवाल के लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के नेता जो हैं वो इसका एक सिर्फ उद्घाटन की वजह से ये हॉस्पिटल जो है वो आज सफेद हाथी बन के खड़ा है। वहीं स्थानीय निवासी संजय कुमार शास्त्री ने बिजड़ी में बने आयुर्वेदिक अस्पताल के उद्घाटन की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उद्घाटन करने की गुहार लगाई है, ताकि क्षेत्र के लोगों को इस अस्पताल का जल्द लाभ मिल सके। इसमें ऐसा है कि इसको लगभग बने हुए 6-7 महीने के लगभग समय हो गया और सरकार ने अभी तक इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में जो हॉस्पिटल का कार्य चला हुआ है वो एक निजी बिल्डिंग में चला हुआ है और सीढ़ियाँ चढ़ने में बुजुर्ग लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और उन्हें सही तरीके से उपचार भी नहीं मिल पा रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो इतना धन खर्च कर कर इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार की गई है, तो सरकार जल्द से जल्द इसका उद्घाटन करे और ताकि जनता को सुविधा प्राप्त हो सके।